नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। छब्बीस जून को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इस दिवस की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। इसका मकसद लोगों को नशे से मुक्त कराने और उन्हें जागरूक करना है। नशीली दवाओं या पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते देख संयुक्त राष्ट्र ने 7 दिसंबर 1987 को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस के माध्यम से लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के प्रति जागरूक किया जाता है। पूरे विश्व में इस दिन विभिन्न समुदायों और संगठनों द्वारा नशीली दवाओं के प्रति क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस दौरान उन्हें नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान और खतरों के बारे में बताया जाता है। इस दिवस को आकर्षक और सहज बनाने के लिए हर साल एक थीम दिया जाता है, जो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस की थीम न्याय के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए न्याय है। जाहिर सी बात है कि इस बार की थीम लोगों से अपनी हेल्थ के साथ न्याय करने की अपील करती है। लोगों को नशे से छुटकारा दिलाने के लिए वर्ष में 4 तरह के खास दिवस का पालन किया जाता है, जैसा कि 30 जनवरी को नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस, 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस और 2 से 8 अक्टूबर तक भारत में मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर और नशा मुक्ति से जुड़ी संस्थाएं जैसे कि न्यामतपुर मुक्ति फाउंडेशन द्वारा आज रैली निकाली गई। रैली के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि आप नशा ना करें, नशा आपके स्वास्थ्य और जीवन के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसके अलावा विभिन्न थानों की पुलिस ने अपने स्तर पर माइकिंग करके भी लोगों को जागरूक किया। ये रैली क्या चीज का हो रहा है? आपका आज का वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे का नशा मुक्ति दिवस है, और इंटी ड्रग्स का नशा मुक्ति दिवस का जैसे जो नशा करते हैं क्या आप ये सूचना दे सकते हैं कि आपको उसको एडमिट होना पड़ता है हम लोग के पास में? अच्छा अच्छा, ताकि वो लोग बाहर में नशा का आदमी हो जाते हैं, इस तरह हम लोग उसको रिहेबिलेट करते हैं, उसके बाद उसको नेचुरल नॉर्मल लाइफ में रिटर्न आते हैं, हंसी खुशी लाइफ जिंदगी आगे जी सके। जोर से मोटिवेशन देने के लिए आए कि नशा को छोड़ो, ऐसे एक मैसेज पहुँचे कि जो आज के दिन जो नशा कर रहा है शायद उनके अंदर में जागृति आ जाए कि हम नशा छोड़ दें और एक नया जीवन, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा लाइफ स्टाइल बरकरार रखें, इसलिए हम लोग आए आज यहाँ। युवाओं को इसके लिए क्या करना होगा? नशा में आज ग्रस्त है उन लोग को सब मतलब जागरूक करना होगा। जैसे हम लोग उस लोग को मतलब बहिष्कार कर देते हैं, उस लोग को बोलते हैं कि नशाड़ी है, हम देख के नहीं है, पैक कर देते हैं। वो लोग को ऐसा नहीं करना होगा, उन लोग को सुझाव देना पड़ेगा, वो लोग फिर से नया जीवन यापन कर। मतलब जो आपके अगर कोई जानकार में है जो नशा करते हैं या नशा का सेवन करते हो, उसको आपका दायित्व है कि उसको समझाना है। हाँ, समझाना है उसको, ऐसा नहीं बोलना कि नशा नशाड़ी है, हटो यहाँ से, उसको सुझाव देना है। छोड़ने का तरीका बताना है, समझाना है, उसको सही तरह ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, सहयोगिता करना पड़ेगा बस। और हम लोग सहयोगिता करने के लिए हम लोग का हाथ आगे है, अरे हाथ को पकड़ना है,
हम लोग का हाथ आगे है। ये किस बैनर में, ये जो आप लोग का प्रोग्राम आज हो रहा है किस बैनर में हो रहा है, कौन से बैनर में ये प्रोग्राम हो रहा है? ये हो रहा है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर है, नशा मुक्ति केंद्र है, जहाँ पर लोगों का इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, उन लोगों को जो बाहर में जो घर पे। क्या नाम क्या है? न्यामतपुर न्यू लाइफ फाउंडेशन। दूरे बर्जन करूँ मारात्मक नेशा के, सुस्थ जीवन और प्रगतिशील सुस्थ समाज गठन लक्ष्य सकले मिले एगिए आस मे रखें। नेशा और नेशार वस्तु सरबराहकारी मादक पाचार